जहां से विपिन जुड़ गए हैं। विपिन जरा बताइए, छिंदवाड़ा और मध्य प्रदेश की बाकी सीटों पर वोटिंग कैसी हो रही है, किन मुद्दों पर वोट पड़ रहा है, कुछ लोगों से बात करिए विपिन। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए छिंदवाड़ा पर सबकी नजर है खासतौर पर, क्योंकि बहुत ही मध्य प्रदेश की हॉट सीट है, कांग्रेस का गढ़ ही कमलनाथ का मानी जाती है। देखिए यहाँ पर इस वक्त मैं वो मतदान केंद्र पर हूँ और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो यहाँ पहुंचे हैं, कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है आपको इस बार? बीजेपी जीतेगी। अच्छा, ऐसा किन मुद्दों को लेकर? स्थानीय सांसद को लेकर यहाँ पे, और मोदी जी को लेके, जो मोदी जी की गारंटी है, जो मोदी जी की नीतियां हैं, जो योजना है, सब चीजों को लेके। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो मतदान करने पहुंचे हैं, एक और जो है यहाँ से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं विवेक बंटी साहू, उनकी माताजी भी यहाँ पर बैठी हुई हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। माताजी क्या कहेंगे, आपका बेटा चुनावी मैदान में है, कमलनाथ को के बेटे तक, नकुलनाथ को तक हो गया शायद एक बार जी, है ना? आप लाइव जुड़ी हुई हैं, बताइए। अच्छा अच्छा, मैं कहूंगी सबसे पहले तो पूरे छिंदवाड़ा जिले सातों विधानसभा सभी लोगों को प्रणाम करती हूँ। मैं यही कहूंगी कि बंटी अधिक से अधिक वोटों से जीत रहे हैं। बेटा है इसलिए या फिर कोई मुद्दा भी लगता है आपको? नहीं, बेटा है और वो उस लायक है, उसमें सेवा भाव बचपन से 15 सालों से देख रहे हैं इसीलिए। लेकिन यहाँ की जनता तो लगातार कमलनाथ उनके परिवार को देख रही है 40 साल से, यहाँ पर यहाँ विकास तो दिखता है, लोग कहते हैं। नहीं, कमलनाथ जी क्या है, 5 साल में एक बार आते हैं और कुछ पैसे और कुछ नसीली चीजें वो करके, छिंदवाड़ी जनता भोली भाली है तो वो बहकावे में आ जाती है इसीलिए, बाकी विकास कुछ नहीं हुआ। देखिए आप सुन रहे थे विवेक बंटी साहू, जो कि जिनके लिए जिताने के लिए कुछ दिन पहले अमित शाह ने भी यहाँ रोड शो किया था, तमाम बड़े बीजेपी के नेता यहाँ पर सभाएं कर चुके हैं, रोड शो कर चुके हैं, और उनका कहना है कि यहाँ पर जीत उनके बेटे की होगी। कुछ लोग यहाँ मतदान करने पहुंचे हैं, क्या लग रहा है इस बार किन मुद्दों को लेकर देख रहे हैं आप? छिंदवाड़ा तो सबकी नजर है, क्या सोचते हैं यहाँ पर विकास को लेकर कोई बातचीत? आपको क्या लगता है? सर पहले वोट दे दूं जी, क्या क्या लगता है? वोट देने से पहले हंसना तो ठीक है, लेकिन ये लगता है कि किन मुद्दों को लेकर दें, क्योंकि एक एक वोट बड़ा कीमती होता है ऐसे क्षण में। होता तो है कीमती, हम चाहते कि एक सही कैंडिडेट आए ताकि भविष्य अच्छा हो, युवा पीढ़ी मतलब रोजगार दे सके, ऐसी सरकार को हम लाना चाहते हैं। स्थानीय कैंडिडेट मतलब यानी कि जो स्थानीय कैंडिडेट अभी विवेक बंटी साहू वो हैं, या फिर नकुलनाथ के कमलनाथ के कामों को लेकर भी कुछ कहने? ये तो पब्लिक जब वोट देगी सब, वो उनके उसी से पता चलेगा कि किसको मानती है पब्लिक। विकास दिखता है यहाँ पर, कुछ विकास दिखता है? सर विकास तो है, देखते हैं सर आगे क्या होता है विकास। ठीक है दादाजी, आप क्या कहेंगे, किन मुद्दों को लेकर सोच रहे हैं छिंदवाड़ा में क्या होना चाहिए? अच्छा गांव काम होना चाहिए और क्या, सबके लिए। किस तरह के काम? काम किसके, काम सबका ही होना चाहिए बस। अभी अभी तक आप जो देख रहे हैं छिंदवाड़ा में रहते हैं, तो यहां पर जो कमलनाथ यहां रहे लंबे वक्त तक, कुछ काम यहां देखे आपने उनके, यहां पर कुछ अच्छा दिखा विकास टाइप? विकास क्या, उनका काम हुआ है और क्या। अच्छा, गरीबों का काम हुआ। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो मतदाता हैं वो पहुंच तो रहे हैं, और अब तक अगर बात करूं तो यहाँ की स्थिति यह बन रही है कि नकुलनाथ और कमलनाथ और उनका परिवार वोट डाल चुका है, विवेक बंटी साहू अब से कुछ देर बाद यहाँ वोटिंग करने आएंगे, लेकिन छिंदवाड़ा चूंकि वो जगह है जहाँ से लगातार 9 बार कमलनाथ यहाँ से सांसद रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि यहाँ मुद्दे भी हैं, लेकिन जो इस बार मुझे जो देखने को मिल रहा है अलग अलग बूथ पर हम आकर अभी तब तक देख चुके हैं कि लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ दोनों तरह की बातें होती, कुछ लोग कहते हैं कि विकास की यहाँ बात हमेशा रही है क्योंकि 40 साल में यहाँ काफी देखने को मिला है, लेकिन कुछ जगह बदलाव की बातें की जाती। लौटेंगे आपके पास, दर्शकों को जरा बता दें इस समय वोटिंग कैसी चल रही है। फिलहाल जो हमारे पास ताजा रिपोर्ट है उसके मुताबिक अलग अलग इलाकों से वोटिंग की रफ्तार को लेकर अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं। कुछ इलाकों में वोटिंग बहुत तेज चल रही है, कुछ इलाकों में स्लो है। मध्य प्रदेश में जो 9 बजे तक की हमारे पास रिपोर्ट है 2 घंटे की, क्योंकि 7 बजे मतदान शुरू हुआ था, करीब 14% के आसपास वोटिंग हुई है मध्य प्रदेश में 9 बजे तक। अब 11 बजे तक
जाहिर है 2 घंटे और वोटिंग हो चुकी होगी, तब अपडेटेड फिगर्स आएंगे, ताजा आंकड़े आएंगे, वो भी आपको बताता हूं मैं। उत्तर प्रदेश में 9 बजे तक 12.5-12.5% की वोटिंग हुई है, यूपी में, मध्य प्रदेश में मैंने आपको बता ही दिया 2 घंटे में 14% वोट पड़े हैं, उत्तराखंड में 2 घंटे में करीब 10.5% वोट पड़े हैं, और पश्चिम बंगाल में 9 बजे तक 2 घंटे में 15% वोट पड़े हैं, और राजस्थान में भी थोड़ा स्लो 9 बजे तक 10.5% वोट, और महाराष्ट्र में भी 2 घंटे में बहुत ही स्लो वोटिंग 6.5% के आसपास मतदान। फिलहाल जरा आपको सीधे अमरोहा ले चलते हैं।